मामला ये है कि हमारे यहाँ एडिशनल सेशन जज श्री महेश कुमार जी हैं, उनके 24,500 रुपये 3 किस्तों में निकाले थे। ये इन्होंने अपना क्लोन बना करके जो रजिस्ट्री है उसके उसका सेटअप लेकर के और आधार कार्ड का अलग से लिंक करके इन्होंने पैसे निकाल लिए थे। जो ये काफी बड़ा एक गिरोह है, जो इस गिरोह को पकड़ने के लिए हमारे राजेश दुग्गल जी आईपीएस पुलिस अधीक्षक पलवल के दिशा निर्देशों अनुसार हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक मुजरिम को आज अरेस्ट कर लिया और उसका 7 दिन का पुलिस रिमांड लिया हुआ है। आगे तफ्तीश जारी है और बाकी जो इसके गिरोह के जितने भी आदमी हैं उनको सबको हम अरेस्ट करेंगे। सर किस काम का रहने वाला है और यहाँ पर उधर कैसे पहुंचा? ये आरोपी डिस्ट्रिक्ट अररिया बिहार का रहने वाला है और ये लोग जो है बिहार साइड में काफी बड़ा गिरोह है, ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं। और इसके लिए हम आम जनता से अपील भी करते हैं कि जो ओटीपी मैसेज और 1930 पे तुरंत कॉल करें, जैसे भी ऐसा फ्रॉड होता है। मतलब जिस तक कैसे पहुंची? ये जो उनका बैंक में अकाउंट था और अकाउंट में उनकी वहां रजिस्ट्री वगैरह थी, तो उस रजिस्ट्री का जो है इन्होंने क्लोन बनाया और ऑनलाइन रजिस्ट्री को अपने पास लेकर के उसका तैयार करके अब ये फ्रॉड किया। जैसे आप कहाँ के मूल निवासी हैं जिससे उनको बैंक अकाउंट का और लोन ले जाएंगे? जज साहब यही अपने एडिशनल सेशन जज श्री महेश कुमार जी हैं और वो पिछले 3 साल से यही मूल निवास कहाँ के हैं? कार्रवाई और चल रही है। आगे कार्रवाई अभी इसमें ये चल रही है कि इसको पुलिस रिमांड पे ले लिया है और इससे पूछताछ गहनता से की जाएगी और जितने भी इसमें आरोपी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि कानून से बढ़कर कोई बड़ा नहीं है। आरोपी का क्या नाम है? कितने नंबर से? आरोपित का नाम जो है ये बिहार का रहने वाला है और मोहम्मद फजान इसका नाम है और इसके खिलाफ जो है मुकदमा नंबर जो एफआईआर नंबर 14 है 28/11/2022 को भिन्न भिन्न धाराओं के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हुआ है। और और